नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। नर्मदापुरम में मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला नर्मदापुरम के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन और कलेक्टर जिला नर्मदापुरम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान यानी कि 50% महंगाई दिए जाने एवं प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों पर आए दिन मारपीट की बढ़ती घटनाओं के संबंध में अवगत कराया गया। उपरोक्त विषय में निवेदन किया गया कि केंद्र सरकार द्वारा अपने अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 1 जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है एवं प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनरों को वर्तमान में 42% महंगाई भत्ता मिल रहा है। इस प्रकार प्रदेश के अधिकारी, कर्मचारी एवं पेंशनर्स केंद्रीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनरों की तुलना में 8% महंगाई भत्ता कमा पा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें कम पैसे मिल रहे हैं और प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों पर आए दिन मारपीट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिस पर तत्काल रोक लगाकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी आवश्यक है। अतः संयुक्त मोर्चे का आग्रह किया गया कि लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगने से पूर्व केंद्र के समान प्रदेश के अधिकारी, कर्मचारी एवं पेंशनरों की भी 50% महंगाई भत्ता दिए जाने के आदेश करने एवं प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों को संरक्षण देने की कृपा की जाए। मोर्चा उनका सदैव आभारी रहेगा, ऐसा कहा गया है। नर्मदापुरम से डीवी न्यूज की खास रिपोर्ट और खास जानकारी के लिए जुड़े रहिए डीवी न्यूज के साथ।